कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी हर हलचल के लिए आप देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी के ग्रीन बजट में। दोस्तों 2018-19 के बजट से हमारे किसानों को बहुत उम्मीदें हैं, साथ ही में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत उम्मीदें लगाकर बैठी है इस बजट से। तो इस बजट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अनुमान लगाया जा रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ हैं एग्री इंडस्ट्रीज़ की जानी मानी कंपनी धनुका एग्रीटेक के चेयरमैन मिस्टर आरजी अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का बजट 2018-19 का जो है वो गांव-गांव पहुंचेगा, तो क्या कल ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है? देखिए, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है कि ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि भारत की आधी से ज़्यादा जनता या लोग गाँव में रहते हैं और खेती के ऊपर निर्भर है। आज गांवों में किसानों के लिए कोई 6th पे कमीशन नहीं होता, 7th पे कमीशन नहीं होता। उनकी आय का साधन है उनकी खेती, और उनकी खेती में भी जो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, अगर वो भी उनको ना मिले, अभी तक ये कुछ राज्यों में, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया के राज्यों में जो गेहूं और धान उगाने वाले किसानों को है, उनको ये सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन बाकी राज्यों में सरकार की पॉलिसी के बावजूद किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा था। आज इस बजट में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार किसानों को नेगलेक्ट नहीं कर सकती। अगर किसानों को नेगलेक्ट किया गया तो पीछे भी किसानों के आंदोलन हुए हैं, और ये आंदोलन एक किस्म का एजिटेशन की शक्ल ले सकता है। पर गुजरात के इलेक्शन में भी जो मैसेज मिला है कि आज रूरल एरिया में किसानों ने सपोर्ट नहीं किया रूलिंग पार्टी को, उसका मेन वजह थी कि वहाँ के किसानों के बीच में अनरेस्ट था, क्योंकि उनको उनकी फसल का उचित मूल्य जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसलिए पूरी आशा की जा सकती है, क्योंकि ये सरकार का मेरा ख्याल आखिरी बजट होगा जो पूरा बजट है, और इस बजट के अंदर वो पूरी तरीके से गांवों के लिए, ख़ास तौर से जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में भी आया है कि आने वाले बजट में सरकार खेती के लिए, शिक्षा के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए तीन बातों पर जोर दे सकती है, और हम समझते हैं कि तीनों ही ये मुख्य विषय है, और जिसमें खेती खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम सब लोगों की रोटी से जुड़ा है, और रोटी एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान की, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबसे पहली उसकी ज़रूरत है। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि सरकार नेगलेक्ट नहीं कर पाएगी, और इस बजट के अंदर किसानों के लिए काफ़ी सहूलतें होनी चाहिए, ऐसी हम आशा रखते हैं। तो दोस्तों, इस बार उम्मीद है कि आम बजट जो है 2018-19 वो गांव-गांव तक पहुंचेगा और हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।